के भारी बारिश हो सकती है, जिनमें रायगढ़, ठाणे, कल्याण, मुंबई के आसपास के कुछ और इलाके हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार बारिश के बाद ठाणे में क्या आलम है, रिहायशी इलाकों का ये आलम देखिए, कई मकान डूबे हुए हैं और जो बच्चे हैं, सड़क जहां पर गाड़ियां दौड़ा करती थी वो तालाब में तब्दील हो गया, लोग तैरते हुए नजर आ रहे हैं। ये ठाणे का इलाका है और इसी ठाणे जिले के कुछ दूरी पर बदलापुर में वो महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन फंसी हुई है। एनडीआरएफ की टीम किस तरह से अब रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रही है, लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि घुसी डैम का पानी दरअसल ऊपर से छोड़ा गया, गेट खोले गए हैं और उसकी वजह से भी कई इलाकों में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। और कुछ और तस्वीरें देखिए कि आखिर ये आलम क्यों है, घुसी डैम का पानी किस तरह से जोड़ा गया है। लोनावला की ये तस्वीरें, घुसी डैम यहीं से नजदीक पर है, एक पर्यटक स्थल भी है, लेकिन ये पानी डैम जब लबालब भर गया था तो आखिरकार इसके कुछ गेट खोलने पड़े हैं और ये पानी नीचे उतरता हुआ उन रिहायशी इलाकों में भी जा रहा है जहां लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे और इसीलिए भी वहां बाढ़ के हालात हैं। लेकिन लोनावाला के नज़दीक घुसी डैम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई पर्यटक इस अचानक छोड़े गए पानी की वजह से बीच में ही फंस गए। एक मशहूर पर्यटक स्थल है लोनावाला, जहाँ पर बड़ी तादाद में पर्यटक पहुँचते हैं, लेकिन ऊपर जो घुसी डैम बना हुआ है जलस्तर उसका तेज़ी से बढ़ने लगा लगातार बारिश की वजह से और डैम के कुछ दरवाजे इसमें खोलने पड़े, कुछ पर्यटक बीच में ही फंसे, इन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए कि अब उस इलाके में लगातार जब पानी बढ़ने लगा है तो नीचे उतरता हुआ पानी किस तरह से तकलीफ पैदा कर रहा है। रिहायशी इलाकों तक तो पहुंचे उससे पहले कई पर्यटक इस घुसी डैम के पानी में फंसे हुए। लोनावाला एक मशहूर पर्यटक स्थल, बड़ी तादाद में जहां पर्यटक खासतौर पर इस मौसम में इसलिए भी पहुंचते हैं क्योंकि आसपास ये पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है, कई छोटे बड़े झरने होते हैं और वहां पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंचकर इस मौसम में लुत्फ उठाना चाहते हैं। लेकिन कुछ पर्यटक इस आफत में भी फंस गए जब घुसी डैम ओवरफ्लो की वजह से खोलना पड़ा और पर्यटक इसमें फंस गए। लेकिन ये आलम सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाइए और ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए, राजस्थान के सीकर की ये तस्वीरें जहां अब लगातार बढ़ता बाढ़ का ये पानी रिहायशी इलाकों में तो घुस ही रहा है, जीर्ण माता मंदिर में भी, एक मशहूर माता का सिद्धपीठ माना जाता है जहां पर बड़ी तादाद में भक्त पहुंचते भी हैं, लेकिन लगातार बारिश के बाद जो ये बाढ़ आई है सीकर में रिहायशी इलाकों तक तो पहुँच ही रही है, मंदिर में भी ये पानी अब घुसता चला जा रहा है। राजस्थान के सीकर की यह आप तस्वीरें देख रही हैं। सैलाब बढ़ता हुआ, सभी व्यवस्थाएं सुबह जल सैलाब, ये एक बड़ी आफत रिहायशी इलाकों के लिए, इमारतों में किस कदर ये पानी तेजी से भरता जा रहा है, राजस्थान के सीकर की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जल सैलाब बढ़ता हुआ, सभी व्यवस्थाएं सुबह तीनों नदी उफान पर। लेकिन राजस्थान के जयपुर की अब ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहाँ पर चाकसू में तटबंध टूट गया है और उसका खामियाजा आसपास के इलाकों में लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 3 से 5 फीट तक पानी रिहायशी इलाकों में पहुँच चुका है, गाड़ियाँ आप देखिए आधी डूब चुकी है, कई गाड़ियाँ पलट चुकी है इसी पानी की वजह से। दूर से देखने पर यूँ लग रहा है मानो कोई खिलौना गिरा हुआ है, लेकिन कई गाड़ियाँ इस पानी में गोते लगाती दिखाई दे रही हैं। राजस्थान में भी लगातार अब बारिश और बाढ़ से हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं, कई रास्ते डूब चुके हैं, अब ये रास्ते तालाब में तब्दील नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जयपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लगातार बारिश बाढ़ के बाद रिहायशी इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, कई गाड़ियां इसमें डूब गई है, लोग अब सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हैं।